नमस्कार, स्वागत है आपका। देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। अब चलिए आपको दिखाते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 में। आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम पर यूएनएससी का बड़ा फैसला। हाफिज के करीबी पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को घोषित किया ग्लोबल टेररिस्ट। इस बार चीन ने नहीं दिया पाकिस्तान का साथ। कंगाली के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बदले सुर। भारत से अब तक हुए 3 युद्ध पर जताया अफसोस। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी में 3,00,000 सैनिकों के कटौती का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन की सेना को आधुनिक बनाने के लिए ये कटौती की गई। पंजाब की जेलों में बंद खालिस्तानी आतंकियों पर बड़ा पर्दाफाश। बड़ी तादाद में गुर्गों की भर्ती की साजिश। बीते 2 महीने में बरामद 200 से ज्यादा मोबाइल फोन से राज सामने आए। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी नौशाद पर बड़ा पर्दाफाश हुआ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नौशाद पाकिस्तान में बैठे हैदर के संपर्क में था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा हैदर ही नौशाद का हैंडलर था। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 आतंकी पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस को 4 संदिग्धों की अभी तलाश है और जिसके लिए पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मुठभेड़ में मारे गए 2 लश्कर ए तैयबा के आतंकी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में ठिकाना बदल लिया है। पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने दाऊद को कराची के डिफेंस एरिया में शिफ्ट किया। छोटा राजन के गुर्गों की गिरफ्तारी की तस्वीर आई सामने। गिरफ्तार आरोपियों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में रहने वाले हजारों लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। महंगाई और खाने की मांग पर वहां के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के लिए आर्थिक बदहाली का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब खबर यह है कि पाकिस्तान में अब पेट्रोल की भी बारी किल्लत खड़ी हो सकती है और इसकी चेतावनी पाकिस्तान की सरकार को खुद वहां की एक एजेंसी ने दी है। दिल्ली में चल रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। चंडीगढ़ में मेयर पद पर बीजेपी ने कब्जा किया। बीजेपी के अनूप गुप्ता ने जीता मेयर पद का चुनाव। आम आदमी पार्टी के जसबीर सिंह लड्डी को शिकस्त दे दी। चुनाव आयोग आज शिवसेना के दोनों गुट के विवाद पर शाम 4 बजे सुनवाई करेगा। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों पक्ष के आमने सामने सुनवाई होगी। राहुल गांधी और पंजाब के सीएम में जुबानी जंग। राहुल ने भगवंत मान पर लगाया केजरीवाल के इशारों पर काम करने का आरोप। जवाब में सीएम मान बोले उल्टा सीधा नहीं बोले तो अच्छा। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। शिक्षकों को फिनलैंड भेजे जाने से रोकने के मामले पर हुई चर्चा। मार्शल ने बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक बार फिर से तनातनी हुई। पेपर लीक मामले में गहलोत ने पायलट के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि सरकार को बदनाम करने की ये साजिश है। IPS सोनाली मिश्रा को BSF ईस्टर्न जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया गया है। इस पद पर तैनात होने वाली सोनाली मिश्रा BSF की पहली महिला अधिकारी। केंद्र ने राज्यों से शहीद दिवस पर 2 मिनट का मौन रखने को कहा। सख्ती से पालन कराने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां हुई शुरू। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जवानों का जोश हाई नजर आया। भोपाल में G20 के तहत 2 दिवसीय Think20 बैठक शुरू होगी। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सीएम शिवराज सिंह चौहान G20 के अंतर्गत Think20 की 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ करेंगे। अलीगढ़ के सराय सुल्तानी इलाके में 2 पक्षों में पथराव हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने स्कूटर सवार को कुचल दिया। मौके पर उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 19 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की पुलिस ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल पर प्रतिबंधित वाहनों का चालान काटा। यह विशेष अभियान एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों में कमी लाने के लिए किया गया।
जोशीमठ में आपदा पीड़ित 190 परिवारों को राहत पैकेज मिला। पीड़ितों में बांटे गए 2,93,00,000 रुपए। अब तक 400 मकानों के क्षतिग्रस्त होने का आंकलन। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हाजी इकबाल के घर पर एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार कुर्की की कार्रवाई की गई। लगभग 34 मामलों में फरार चल रहा है आरोपी हाजी इकबाल। कड़ाके की ठंड ने पूरे राजस्थान को अब ठिठुरा दिया है। वहीं माउंट आबू में सर्दी ने पिछले कई सारे सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। माउंट आबू में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में चारों तरफ बर्फ का अंबार नजर आया। घर की छतों, सड़क, गाड़ियों के ऊपर जमी बर्फ की मोटी परत। सड़क से बर्फ हटाने के लिए लगाई गई मशीन। उत्तर भारत में ठंड और घने कोहरे की वजह से ट्रेन यातायात प्रभावित हुई। 15 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शीतलहर से लोग परेशान। स्कूल फीस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोरोना काल के दौरान ली गई फीस का 15% हिस्सा करना होगा वापस। अदालत ने कंप्यूटर लैब और मेंटेनेंस जैसे चार्ज न लेने के आदेश जारी किए। बिहार के गोपालगंज में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद कर ली गई है। उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी यह शराब। शराब तस्कर मौके से फरार हुआ। लाखों का विदेशी शराब पकड़ा गया। महाराष्ट्र के लातूर में सड़क हादसा हुआ। बस हादसे में 15 लोग जख्मी हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12 साल के नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के संभल में पत्नी के प्रेमी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गंभीर हालत में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 गुटों में गैंगवॉर का मामला सामने आया। इस गैंगवॉर में 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के महोबा में दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला आया सामने। आरोपी लड़के ने लड़की को धमकाया और पीड़िता के परिवार वालों पर पुलिस से शिकायत न करने के लिए भी दबाव बनाया गया। पंजाब पुलिस ने लाखों के ड्रग्स जब्त कर लिए हैं। ड्रग्स मामले में तेजी से फरार आरोपियों की गिरफ्तारी चल रही है। बिहार के आरा में दहेज के आरोप में महिला की हत्या कर दी गई। आरोपी पति मौके से फरार हुआ। सास ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई से सटे थाने में मानव कंकाल बरामद किया गया। पुलिस ने बंद पड़ी टंकी से शव निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। दिल्ली के शक्तिनगर में 4 बदमाशों ने 42 साल के आदमी से लूटपाट की। पैर में गोली मारी। सीसीटीवी में क्या हुई तस्वीर। चंडीगढ़ में हिट एंड रन मामले में के आरोप में पूर्व मेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सड़क किनारे खड़ी लड़की को कार ने टक्कर मार दी थी। थाईलैंड के बैंकॉक में बड़ा हादसा हुआ। टैंक में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें आग की भयानक लपटें देखी जा सकती है। यूक्रेन की जंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा एक्शन। समंदर में एटमी सुनामी वाले टॉर्पेडो का परीक्षण। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग लेने अमेरिका पहुंचे 100 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिक। यूक्रेन में रूस के सैनिकों का कहर लगातार जारी है और इस बीच रूस के T-90 टैंक से गोलीबारी का एक वीडियो सामने आया जिसमें यूक्रेन के ठिकानों को टारगेट करके गोले दागे गए। जंग में यूक्रेन के सैनिकों का पलटवार लगातार जारी है। बखमुत में खंडर हो चुकी है। एक इमारत से यूक्रेन के सैनिकों ने छिपकर रूस के ठिकाने पर मोर्टार से हमला कर दिया। जंग के बीच अमेरिका में यूक्रेन के 100 से ज्यादा सैनिक ट्रेनिंग लेने पहुंचे हैं। यूक्रेन के जवानों को अमेरिकी सैनिक पैट्रियट मिसाइल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और बेलारूस में रूस के सैनिकों की बड़ी ट्रेनिंग चल रही है। इस ट्रेनिंग में रूस के 18,000 सैनिक शामिल हैं जबकि बेलारूस में पहले से ही रूस के 12,000 सैनिक मौजूद हैं।